राधा जी ने गोधन करते थे और गरगर ऋषि की दूध पिलाते थे, यही ब्रजवासी का। यहाँ महादेव बाबा पे जो एक लोटा पानी चढ़ाता है उसका मनोकामना पूरा हो जाता है। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजनों को आज हम एक ऐसे मंदिर पर, ऐसे दिव्य स्थान पर लेकर जा आए हैं। ये आप देख रहे हैं गर्गाचार्य तप स्थली श्री राधाकांत मंदिर। और ये ऐसा स्थान है, ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी के कुलगुरु का ये मंदिर है और इन्हीं के नाम से इस गांव का नाम गांगरौल पड़ा हुआ है। ये यहाँ आने के लिए आप गांगरौली गांव के नाम से यहाँ पर आ सकते हैं। और ये गांव शेरगढ़ के पास, और आपका जैसे अकबरपुर है और दलौता है, ये दलौते गांव के बिल्कुल पास ही गांव गांगरौली है। इन्हीं के आज हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे। और जिन्होंने श्री कृष्ण जी के और उनके भाई बलराम जी का नाम रखा हुआ था, नामकरण किया था, वही गुरु हैं। और इन्हीं गुरु ने हमारा जो ग्रंथ, जिस ग्रंथ को हम ज़्यादा पढ़ते हैं, श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं उसमें लिखी हुई हैं, गर्ग संहिता, उस गर्ग संहिता को भी इन्हीं गुरु जी ने लिखा हुआ था। और आज उन्हीं गुरु जी के हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। ये यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी बैठे हुए हैं, ये आप पहले देख लें। राधा कृष्ण जी का यहाँ पर बहुत ही अद्भुत, जो हमारे ब्रज के बहुत ही मुख्य दर्शन हैं, उनको हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे दर्शन, कितने अद्भुत दर्शन। आप ये आप दिव्य दर्शन राधा और कृष्ण जी के कितने प्यारे दर्शन हैं, मन मोहक करने वाले ये आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और बिल्कुल इन्हीं के बराबर में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्राचीन शिव जी का भी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें, ये बहुत ही पुराने अद्भुत ये दर्शन हैं। और ये द्वापर काल के दर्शन हैं। यहाँ पर किसी को ये नहीं पता है कि ये कितने पुराने दर्शन हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शिव परिवार सहित ये शिव जी यहाँ पर विराजमान हैं। और ये बहुत ही, इतनी ज़्यादा इनकी शक्ति है, यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, जय ओ भोलेनाथ, जय जय भोले शंकर, ये यहाँ पर गणेश जी बैठे हुए हैं। बहुत ही पुराने ये दर्शन हैं। और बिल्कुल इन्हीं के बराबर में गर्गाचार्य जी का यहाँ पर दर्शन है। और ये देखें आप, यहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान हैं। आप पहले हनुमान जी के भी दर्शन यहाँ पर करें और फिर हम आपको गर्गाचार्य ऋषि जी के दर्शन कराते हैं। ये वही गर्गाचार्य ऋषि हैं जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी थी और कृष्ण जी का नाम भी इन्होंने रखा था। ये आप बिल्कुल पास से आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन गर्गाचार्य जी के हैं। और इस गांव का नाम भी इन्हीं गुरु जी के नाम पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक कुंड है। क्या नाम है महाराज जी कुंड का? दहिनी कुंड है ये। ये आप देखें दहिनी कुंड है। और यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। अभी पहले आप ये दहिनी कुंड को देखें। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये कुंड बना हुआ है। यहाँ पर गौ दहन करते थे और उसकी अद्भुत लीला है। ये आप देख रहे हैं दहिनी कुंड को। और हम आपको इस पूरे कुंड के भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर ऊपर जाकर हम आपको, ऊपर छत है, उस छत पे से आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये भट्टियाँ हैं जहाँ पर भोजन पकता है। और ये देखें कितनी अद्भुत ये स्थान है। ये देखें आप, ये आप यहाँ पर एक कुआं देख रहे हैं। ये कुआं बहुत ही प्राचीन कुआं है और इसी कुआं के हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। फिर आपको ऊपर ले जाकर पूरे इस दोहनी कुंड के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखें आप, यहाँ पर दो कबूतर बैठे हुए हैं, आप ये देख रहे होंगे। बिल्कुल इसी, ये हमको देखकर अभी उड़ गए हैं। और इस कुएं के हम आपको दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही पुराना
द्वापर काल का ही ये कुआ है, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए कितना अद्भुत, ये कितना गहरा कुआ है। और हम आपको लेकर अब चलते हैं ऊपर, ये देखें किस प्रकार का सुहाना ये स्थान है। और यहाँ पर एक बरका वृक्ष है जो बहुत ही प्राचीन वृक्ष है, वो अगर आप सामने देखेंगे तो वही बरका वृक्ष है, उसके पास हम ले जाकर आपको उनके दर्शन आपको कराते हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी अद्भुत ये स्थान है, कितना ये हमारे ब्रज का ये हिस्सा है जहाँ पर आप ये स्थान देख रहे हैं। यहाँ पर जाने के लिए यहाँ से रास्ता नहीं है और हम आपको दूर से ही दिखा देते हैं। चलो हम जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ ये देखें किस तरीके से यहाँ जाने के लिए हमको ये रास्ता आप देख रहे हैं, बिल्कुल पास से इस 5000 साल पुराने वट वृक्ष का आपको हम ये दर्शन करा रहे हैं। ये देखें कितना पुराना ये अद्भुत वृक्ष, बटका वृक्ष है, ये देखिए आप कितने अद्भुत ये आपको यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये मोर किस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको ये मोर भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी तो उड़ गया मोर यहाँ से तुरंत ही देखते ही, ये देखें आप कितने प्राचीन ये अद्भुत दर्शन यहाँ के हैं इस वट वृक्ष के। ये देखें यहाँ पर कितनी ऐसी लीलाएं आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। इनका जो प्रमाण मिलता है वो केवल हमारी जो गर्ग संहिता है और रस अमृत यहाँ जो ग्रंथ हैं उनमें यहाँ के पूरे विस्तार से यहाँ की अद्भुत जानकारी मिलती है और उन्हीं में से पढ़कर हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और संपूर्ण रूप से आपको जानकारी देते हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं थोड़ा सा उनसे भी हम अवगत कराते हैं। राधे राधे। ये जो स्थान है, पहले तो आप अपना नाम बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिसंबर दास। तो यहाँ की जो महिमा है, यहाँ पर किस प्रकार से भक्त आते हैं, किस प्रकार से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? यहाँ से गरगासरी की नाम से विख्यात है जी। और यहाँ से महादेव बाबा है, ये पुराना, ये 200 साल से पहले की, बहुत पुराना, कितना पुराना कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ महादेव बाबा पे जो एक लोटा पानी चढ़ाता है उसका मनोकामना पूरा हो जाता है। क्या पूरा हो जाता है? मन की आशा सब पूरी हो जाता है। अच्छा। मनोकामना पूरा हो जाता है। यही है लीला एक यहाँ। अरे जो दोहिनी कुंड है ना, यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने गोधन करते थे और गरगा ऋषि की दूध पिलाते थे, यही ब्रजवासी कहा है। अच्छा अच्छा, इनकी कहावत यही है। तो गरगाचार्य जी जो ऋषि हैं उन्होंने ही कृष्ण का नाम रखा था गरगा ऋषि। हाँ, और उन्होंने यही है कुलगुरु गरगाचार्य ऋषि जी ने। हाँ, गरगाचार्य ऋषि जी ने कृष्ण नाम इनने रखा था। तो ये स्थान यहाँ आने के लिए कैसे आएंगे भक्तजन, कुछ उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? यहाँ पास आने के लिए कैसे आ सकते हैं, जल्दी आने के लिए कौन से रास्ते से आ सकते हैं? जल्दी आने के लिए इधर से भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। अच्छा, इधर क्या है? यह कच्ची रोड है। अच्छा, और इधर पक्की है, दलौता है के दलौता होके जल्दी आ जाते हैं। गरगासरी नाम से विख्यात, तो कहूँ जाके पूछो बता देगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं गरगाचार्य जी के, जैसे ही आप मंदिर का नाम लेंगे, और ये गांगरोल गांव गांगरोली पड़ता है। अब हम आपको लेकर जाते हैं ऊपर, और ऊपर से उस दोहिनी कुंड के अद्भुत दर्शन कराते हैं, और ये जो गांव है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखें हम ऊपर आ गए हैं, और ये यहाँ पर गुंबद बने हुए हैं, राधा कृष्ण जी के गुंबद आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये राधा कृष्ण जी का गुंबद है, और वो गरगाचार्य ऋषि जी का गुंबद है, और ये दोहिनी कुंड के हम आपको यहाँ पर संपूर्ण रूप से दर्शन, संपूर्ण ब्रज दर्शन के द्वारा आपको करा रहे हैं। ये देखिए कितने अद्भुत दर्शन हैं यहाँ पर, आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर अलग ही प्रकार के आपको इसमें तैरते हुए पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। और ये बहुत बड़े स्थान में फैला हुआ है। आज इस कुंड की स्थिति ऐसी है जो बहुत ही बदहाल हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद अभी ये
जो कुंड है इसकी स्थिति सुधरेगी और बहुत जल्दी आप यहाँ के ऐसे अद्भुत दर्शन करेंगे इस कुंड के। ये महाराज जी बता रहे हैं शेरगढ़ में 5 एकड़ में, 5 एकड़ स्थान में ये कुंड है, जिसकी वजह से हमें ऊपर चढ़ के आना पड़ा है आपको दिखाने के लिए। ये देख रहे हैं आप यहाँ के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये जो ऋषि हैं ये श्री कृष्ण जी के, उनके कुल के गुरु हैं। गर्गाचार्य जी ऋषि का ये मंदिर है और ये राधा कृष्ण जी का भी मंदिर यहाँ पर है। और ऐसे दर्शन आप, हम रोज़ाना आपको एक जगह के दर्शन कराते हैं। अगर आपको ये स्थान बहुत बढ़िया लगा हो तो आप दूसरे लोगों के पास ज़रूर इसको पहुँचाएँ। जय जय श्री राधे।